अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड लेना है। जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में बताया था कि किस तरीके से आप डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, आज हमें एक ब्लैंक शीट चाहिए कि ब्लैंक एक्सेल, उसमें क्या करना है, हमें वो डेटा फिल करना है ना। पहले मैं वो समझा देता हूँ, साथ में ये बताऊँगा किस तरीके से आपको फिर ट्रेड लेना है। तो उसके लिए आपको एक, जैसे कि मैंने ये पहले बना दी है, डेटा फिल नहीं किया है, लेकिन कुछ भी नहीं करना आपको। जो जैसे आप इस तरीके के आप जैसे ओपन करोगे तो इस तरीके की एक ब्लैंक शीट रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो फ्यूचर वाली वोलेटिलिटी है ना, वहाँ से ये टोटल डेटा को कॉपी करना है, इस सिंबल को कॉपी कर लेना है और नई वाली शीट जो आपकी खाली रहेगी उसमें पेस्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या सिंबल आ जाएगा ये, और मैंने कलर दे दिए हैं आपको। टोटल ऐसे मैंने 7 रोज का लिया हुआ है, आप चाहें तो एक दिन का भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको 7 दिन का लेना चाहिए कायदे से, क्योंकि उससे ये FNO वाली जो वोलेटिलिटी ली है हमने, ये 7 दिन का आप डेटा लोगे तभी इसका काम है, वरना आप इसी को देख के जो इक्विटी वाली एक दिन की वोलेटिलिटी है उसी को देख के आप ट्रेड ले सकते हो। ये इक्विटी वाली वोलेटिलिटी, और ये मैंने दिन डाल दिए है ना, एक ये टोटल 7, और इसको कलर डाल दिया इसमें थोड़ा सा, कुछ भी नहीं करा, ये FNO वाली वोलेटिलिटी लिख दी, FO1 या जो भी आप चाहे नाम लिख देना है ना। और ये 7 दिन लग, और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस काय का है ये मैं अभी आने वाले समय बताऊंगा है ना। आप इस डिफरेंस करके सेम ऐसा डाल देना, 7 नंबर डाल देना और इसको कलर कर देना हल्का सा। ये आप जैसे ये सो ये जैसे आप इस तरीके की सीट बनाओगे, अब इसमें हमें डेटा पुल करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, आप देखते जाइए, इज इक्वल टू वी लुकअप। जैसे आप वी लुकअप लिखोगे ये आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाना है आपको है ना, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है। अब जहाँ से डेटा हमें लेके आना है उस वाली सीट में जाना है, तो हमें पहले इक्विटी वाली वोलेटिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर गए हम इक्विटी वाली में है ना। आपको यहाँ पर कंट्रोल स्विफ्ट और यहाँ पे क्लिक करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, डाउन का एरो फिर कामा, फिर ये दूसरे नंबर के इससे डेटा ले जाना हमें, तो 2 कामा और फिर 0 लास्ट में लगाना और ब्रैकेट बंद कर देना, ये आपका डेटा वहाँ से यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको और देखना आप, वैसे तो आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी हम आगे FNO वाले में करेंगे, उसमें समझ जाना, सिंपल है। आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे अगर इसको पूरी को अगर आप डेली भी करोगे ना, डेली अब पुल करोगे डेटा, तब भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमें ये डेटा इसमें जो ये फार्मूला लगा डेटा पे, ये हमें रिमूव करना है, तो आपको कंट्रोल सी दबाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ये हमारा डेटा रिमूव हो गया। अब FNO वाला डेटा चाहिए तो वही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू वी लुक अप है ना, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए पहले वाले स्टॉक के, फिर कॉमा लगाइए, फिर जिस सीट में से हमें डेटा लेके आना है, ये वाली सीट में से लेके आना है FNO वाली में से, तो इस सीट पर क्लिक कीजिए। अब कौन सा डेटा लेके आना है दूसरे नंबर का, तो इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, डाउन का एरो, फिर कॉमा, फिर 2, क्योंकि दूसरे वाले का डेटा चाहिए हमें दूसरे नंबर का, फिर कॉमा, फिर 0 है ना, फिर ब्रैकेट बंद, इंटर। ये आपका डेटा वहाँ से यहाँ पर वहाँ से यहाँ पर आ गया है ना। इसमें भी कंट्रोल सी, यहाँ पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू,
ये आपके दोनों डेट आ गए, बस इतना समय लगता है इसको फिल करने पे। आप 7 रोज़ का बना लोगे ना तो फिर आपको सिर्फ इतना ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मान लीजिए कि 8वें रोज़ क्या करोगे, पहले वो समझ लीजिए वरना फिर कन्फ्यूज़न होगा आपको। 8वें रोज़ आपको कुछ नहीं करना है, ये डेटा टोटल डिलीट कर देना है दोनों में से, है ना, क्योंकि 7 रोज़ तक तो आप ऐसे ये कंटिन्यू आप फिल करोगे, है ना। 8वें रोज़ क्या करोगे, ये डेटा डिलीट कर देना, इसको और इसको, इन सारे को फिर जो आपके पास रहे इनको सिलेक्ट करना सभी को, है ना। सिलेक्ट कर लोगे आप और वापस ऊपर जाना, कहाँ पर, क्योंकि ये डिलीट रहेगा तो यहाँ पर डाल के राइट क्लिक दबा के पेस्ट टू स्पेसर और वैल्यू जैसे ही करोगे तो आप टोटल डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा, ये टोटल डेटा इधर का इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएंगे आपको डबल दिखेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी रहेगा कॉपी हो चुका है वो, तो आपको इस फिर इसको डिलीट करना है पहले नंबर को, है ना, क्योंकि पेस्ट करने से पहले 7वें नंबर को डिलीट करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करोगे उसके बाद पहले नंबर को डिलीट करना है यहाँ पे, फिर आप जो नया डेटा रहे वो फिल कर देना, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब ये जो डिफरेंस है इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाना, इसमें कुछ भी नहीं लगाना, इज इक्वल टू यहाँ पर क्लिक करा हमने, है ना, फिर माइनस, हमें डिफरेंस चाहिए दोनों का इक्विटी वाले में से, तो ये आपका डेटा आ गया। अब इसको टोटल को आप यहाँ तक फिल कर लीजिए, ये जो भी डेटा इसका फार्मूला यहाँ तक फिल कर लीजिए और इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। अब ये टोटल फार्मूला यहाँ तक लग गया इसकी सीट में पूरे में, है ना। जब भी आप इधर जो भी डेटा आप पुल जैसे करोगे ऑटोमेटिक ये अपडेट होती जाएगी इधर, इसका ये महत्व है। दोस्तों अब हमारे पास डेटा उपलब्ध है, अब हमें ट्रेड कैसे लेना है यह जानना है। तो ट्रेड लेने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वॉलीटिलिटी होती क्या है। मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये का है और उसकी वॉलीटिलिटी मान लीजिए कि 3% है ना, तो मतलब कि वो 3 रुपये ऊपर या नीचे ट्रेड कर सकता है। यह सिंपल तरीका है, ये मतलब घूम फिर के ये आएगा कि 3 रुपये ऊपर या नीचे वो स्टॉक जा सकता, उसी के रेंज में वो मूव करता है, यह वॉलीटिलिटी रहती है ना। ट्रेड कैसे लेना है ये जान लीजिए। तो ट्रेड लेने से पहले एक बात ध्यान रखना कि ट्रेड जब कोई स्टॉक किसी रेंज के अंदर, जैसे मान लीजिए ये कंसोलिडेशन है ना, और इस रेंज के अंदर अगर स्टॉक ओपन होता है, ये रेंज के अंदर, है ना, क्योंकि कोई भी स्टॉक 3 तरीके से ओपन होता है, या तो रेंज में ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा, इसके अलावा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहाँ पे ओपन होगा, है ना। ये 3 ही कंडीशन है, इन तीनों का मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लेना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये इस रेंज में अगर ओपन होता है ना, ये यहाँ पे कहाँ पे मान लीजिए कि स्टॉक ओपन हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए ये 102 पे ओपन हुआ और देख लीजिए आप स्टॉक को कि ऊपर जा रहा है नीचे, 102 से 3-4 होगा, है ना, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर जा रहा है, कम होगा तो समझ जाना नीचे जा रहा है, तो आपको इंतज़ार कब तक करना है, इसमें 3 रुपये प्लस कर दीजिए जो ओपन प्राइस है और उसी में से 3 रुपये माइनस कर लीजिए, दोनों की प्राइस लिख लीजिए। 3 रुपये ऊपर लिखोगे तो 105 बनेगा, 3 रुपये इसमें से माइनस करोगे वॉलीटिलिटी के अनुसार तो 99 रुपये बनेंगे। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, मान लीजिए कि 3 रुपये प्लस करे और वो प्राइस उसको टच कर रही होगी, है ना, मान लीजिए कि स्टॉक की प्राइस मूव करती करती 105 तक पहुंच जाए तो आपको यहाँ से सेल कर देना है। वैसे ही मान लीजिए कि स्टॉक की प्राइस डाउन होते होते 99 तक चली जाए, 3 रुपये माइनस ओपनिंग प्राइस से करना है, याद रखना, तो आपको क्या करना है वहाँ से 3 रुपये नीचे माइनस कर 99 से आपको बाय करना है। ये सिंपल सा फंडा है इसका, ये समझ लिया, किसी कंसोलिडेशन में ओपन होता है तो, है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, अभी बहुत सी चीज़ें आप एक एक समझते जाइए, नहीं समझ में आए तो इसको फिर से देखना, सिंपल सी चीज़ है। कोई भी किसी भी स्टॉक की वॉलीटिलिटी देखने के लिए आप प्राइस देख लीजिए, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है,
उसकी वॉलीटिलिटी उसके अनुसार निकाल लीजिए। मान लीजिए कि क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये है तो उसकी वॉलीटिलिटी आ गई 3 रुपये, 3% मतलब कि 3 रुपये, 3% है तो है ना। अब ओपन जो प्राइस हुआ उसमें इसको वॉलीटिलिटी के जो प्राइस वॉलीटिलिटी का जो नंबर है उसको प्लस करना है उसमें, वो कर लीजिए, वो लिख लीजिए आप, लिख के तैयार रखिए आप, डाउन का लिख कर और माइनस करके तैयार रखिए। ये दो चीज़ें आपके पास पहले से उपलब्ध होगी, अप और डाउन की प्राइस। मान लीजिए ऊपर जाता है वो स्टॉक, इंतज़ार करे, उसको टच करे, आप सेल ले ली, सेल पोजीशन बना लीजिए वहाँ से। डाउन जा, डाउन हो रहा है स्टॉक, 99 तक चले जाए, है ना, 3 रुपये माइनस में जो भी प्राइस बन रही होगी वहाँ तक चले जाए, बाई कर लीजिए। हो सकता है 1-2 रुपये आगे पीछे हो, ये नॉर्मल चीज़ है, तो आप इसका हमेशा ध्यान रखना। अब गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड लेना है ये बता देता हूँ। इसमें एक और चीज़ है वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, है ना। कंसोलिडेशन में मान लीजिए ओपन होता है तो और कौन सी एक सिचुएशन बनती है वो आगे बात करेंगे हम। अब आप मान लीजिए कि कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है ना, तो शुरुआत के 10 मिनट कितने, शुरुआत के 10 या 15 मिनट, अधिकतम 10 से 15 मिनट, आप चाहे तो 20 मिनट भी ले सकते हैं, भी इससे ज़्यादा नहीं, 10 15 20 मिनट में मान लीजिए ये कोई स्टॉक ओपन हुआ है ना और ऊपर जा रहा है, ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है। 10 से 15 मिनट में मान लीजिए वो जो ओपन हुआ वो प्राइस ब्रेक नहीं करता है ना, 10 से 15 मिनट में वो ब्रेक नहीं करता है, तो आप सारी स्ट्रेटजी भूल जाइए है ना, और इसमें सीधे बाय का ट्रेड ले लीजिए, सब भूल जाइए, उसमें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि वो एक सही, वो सही ब्रेकआउट दिया है उसने, वॉल्यूम के साथ दिया है एक तरीके से, तो उसमें सारी स्ट्रेटजी कोई काम की नहीं आएगी, उसमें भूल जाइए और आप सीधे डायरेक्ट एंट्री ले लीजिए बाय की। मान लीजिए कि इसी प्रकार है ना, ओपन हुआ और स्टॉक नीचे आ रहा है और 10 से 15 मिनट में ये ब्रेक नहीं करता है, कौन सा जो इसका ओपन प्राइस है, अब ये इसका हाई बन गया क्योंकि नीचे आ रहा है, तो ये ब्रेक नहीं करता है 10 से 15 मिनट में ना, तो आप आँख बंद करके इसमें दूसरी स्ट्रेटेजी सब भूल जाइए और एंट्री ले लीजिए 100%, इसमें मतलब ये इसको वापस नीचे फील करेगा ही करेगा, सेम कंडीशन नीचे ओपन होगा ब्रेक डाउन देगा तब भी आपको अप्लाई करनी है ना, 10 से 15 मिनट वाली। ये तो हो गई कि चलो 10 से 15 मिनट में ब्रेक नहीं कराए उस कंडीशन में, मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट में ब्रेक कर दे है ना, मान लीजिए कि कोई स्टॉक ओपन हुआ है, ये 10 से 15 मिनट में ब्रेक कर दिया इसको है नहीं, वापस ऊपर जा रहा है, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो इसका ओपन प्राइस रहेगा यहाँ पे आप वॉलीटिलिटी की जो प्राइस बनी है, जितने पॉइंट बने हैं वो प्लस माइनस करके तैयार रखिए, यहाँ पर भी आप है ना पहले से तैयार कर लेना, ब्रेक कर दे तो आप इंतज़ार करिए कि वो ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपको इंतज़ार करना उसका माइनस कहाँ तक है, उस पॉइंट से आपको बाई करना है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है ना प्राइस, वॉलीटिलिटी के अनुसार जो भी हमारी वॉलीटी, जैसे 3 रुपये मान लीजिए कि 115 पे ओपन हुआ है ना, गैप अप ओपन हुआ 115 पे, 3% वॉलीटिलिटी है ना 100 रुपये के अनुसार, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये थी, तो 118 तक इंतज़ार करिए, फिर आप सेल पोजीशन बनाइए। 115 पे मान लीजिए ओपन हुआ, नीचे जा रहा है, 15 मिनट में इसको ब्रेक कर दिया है, तो आप इंतज़ार करिए कहाँ तक जाने के लिए, 15 से 3 रुपये वापस, जब तक ये नीचे नहीं आए है ना, वहाँ तक, वहाँ से फिर इसमें बाई लीजिए। ये सिस्टम है, ऐसा ही ब्रेक डाउन में भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी हमें है ना, अगर ब्रेक कर दे तो 15 मिनट के अंदर वो कंडीशन आपको बता दी है, सिंपल सी चीज़ें। और ब्रेक डाउन का एक बार और बता देता हूँ, मान लीजिए ब्रेक डाउन दिया है, ये नीचे ही जा रहा है, ब्रेक कर दिया 15 मिनट में, तो जो प्राइस है इसकी ओपन हुआ उसमें वॉलीटिलिटी की जो जितने परसेंट वॉलीटिलिटी है, जो पॉइंट बन रहे हैं, जितने रुपये मान लीजिए 100 रुपये है, तो 3 रुपये बन रहे 3% के अनुसार, तो उसमें वो प्लस माइनस करके तैयार रखिए आपके नंबर, जैसे ही जो भी टच करे है ना, ऊपर जाए तो ऊपर वाला, नीचे जाए तो नीचे वाला, उस पे बाई और सेल की पोजीशन लेनी है, ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पर,
कि किस तरीके से लेनी है अभी जस्ट आपको। अब बात आ जाती है कि बहुत बार क्या होता है, स्टॉक सीधे मतलब मूव दे देता है, जैसे कि इसी के रेंज में ओपन हुआ और सीधा मूव दे दिया है ना इसने, इस कंडीशन में क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो जो हमने ये डेरिवेटिव का हमने ये चेंज लिया है दोनों का है ना, इक्विटी और इसका जो डिफरेंस लिया है, तो होगा क्या कि मान लीजिए ऐसी मूव आने वाली होगी है ना, कौन सी के जो सीधे डायरेक्ट, तो बहुत सी कैंडल ऐसी देखी होगी कि लो एक रेंज में तो ओपन होती है, जैसे कि ये कैंडल ले लीजिए, एक रेंज में ओपन हुई और सीधे ऊपर गई, हाई पे बंद हुई है ना, बहुत सी जगह ऐसा मिलेगा क्या, या डाउन हो जाती सीधी सीधी जाया करती, तो वो पहले ही पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे होता है, सीधे डाउन या सीधे अप कैसे होता है। तो होगा क्या कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जब आप देखोगे तो होगा क्या कि दोनों में से, जैसे दोनों में से किसी एक सेगमेंट में कोई बड़ा प्लेयर किसी न किसी तरीके की पोजीशन बना रहा होगा, वो पता कैसे चलेगा। इधर देखना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर बहुत जगह देखोगे ना तो आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखेगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, इतने में एक आधा तो मिल ही जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसे देखिए है ना, अब ये -2.22% का डिफरेंस है, ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है दोनों में, SBI लाइफ में है ना। तो इसको एक रोज में पता नहीं चलेगा, ये दो तीन रोज कंटिन्यू इस तरीके का डिफरेंस आए, चाहे माइनस में आए या प्लस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। माइनस में आ रहा है मतलब इक्विटी में पोजिशन बन रही है कोई सी बड़ी, प्लस में आ रहा है मतलब डेरीवेटिव में पोजीशन बन रही है ना। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि बड़ी मूवमेंट आने वाली है, तो फिर आपके सारे ये जो स्ट्रेटेजी है सारी फेल हो जाएगी। उसकी जगह आपको वॉल्यूम को एक बार इसको देख लेना, हाँ यहाँ पे बड़ी मूवमेंट किसके द्वारा बन रही है, पर ये एक दिन के इससे पता नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 रोज का तो लेना ही पड़ेगा, कम से कम 3 दिन का, 3 रोज से आपको पता चल जाएगा डिफरेंस है ना, कि यार किस में, जैसे कि ये तीन रोज़ का इसमें FNO का इसमें कोई कुछ भी ये इतना खास नहीं है, लेकिन इक्विटी के इसमें के सेगमेंट में कोई बड़ी पोजीशन बन रही है कंफर्म है, लेकिन एक रोज़ के डेटा से नहीं, एक रोज़ का डेटा कंफ्यूजन के लिए बना दिया जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये 3 रोज़ का कम से कम मान लीजिए 3 रोज़ जैसे कंटिन्यू बनता है ना, इसी तरीके की पोजीशन बनती है यहाँ पे डिफरेंस, तो अब सतर्क हो जाएंगे कि नहीं यार मान लीजिए कि इसी रेंज में मान लीजिए कि ओपन होता है ना, और स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है यहाँ से है ना, तो फिर कोई सी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, वॉल्यूम वाली काम करेगी यहाँ पे। फिर आप वॉल्यूम वाला आंख बंद करके, मान लीजिए किसी ने अभी तक वॉल्यूम वाला एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, ताकि आपको क्या है कि 101% क्लियर पता चल जाएगा कि हर कंडीशन में किस तरीके से ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक फिक्स रूल के अनुसार आप ट्रेड ले सकते हैं, वो संभव ही नहीं है, आपको तो पल पल में बदलना होगा और नई नई स्ट्रेटेजी नए तरीके से अप्लाई करनी होगी। क्या आपको सारी कंडीशन बता दी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हो जाता है, हमें पहले ही पता रहेगा कि नहीं यार FNO के द्वारा या किसी के भी द्वारा पर मूवमेंट तो यहीं पर होगी है ना, मान लीजिए कि बड़ी मूवमेंट आने वाली है, गैप अप गैप डाउन का तो आपको बता ही दिया किस तरीके से किन किन सिचुएशन में ट्रेड लेना है। अब मान लीजिए यहीं हो गए, यहीं पे ओपन हो गए और लो ब्रेक ही नहीं किया है ना, या हाई ब्रेक ही नहीं किया, दोनों मतलब कि मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो लो जहाँ से ओपन हुआ वो ब्रेक ही नहीं किया, तो आप समझ जाइए पहले ही आपको पता रहेगा कि नहीं यार यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी जो अभी मैंने बताई आपको है ना, वोलेटिलिटी वाली, वो काम नहीं देगी, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है, बस आपको वॉल्यूम पर ध्यान देना है। और वॉल्यूम के एवरेज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखना। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बार ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि क्या है कि मैं ऐसे नए नए तरीके आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और मैं खुद भी इन्हीं तरीक़ों से, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है और जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, वो वक्त वक्त पे बताया करता हूँ आपको, आपके साथ शेयर किया करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ओपन हुआ, आपको सिंपल सा है कि कुछ नियम पता चल जाएगा आपको, इधर ही पहले ही पता चल जाएगा मूवमेंट आने वाली होगी तो, है ना, कि यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस बढ़ रहा है काफ़ी होता है, मतलब कि मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ये एक तरीके से दोनों के बीच में। परसेंटेज टर्म में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि वो एक तरीके से डिफरेंस दिख जाएगा। आपको सारे तरीके बता दिए सिंपल तरीके से बता कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। मान लीजिए कि इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताना, फिर से मैं और डाल दूंगा एक वीडियो इसमें, और इस पर मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता देना, तो मैं उस हिसाब से और एक नया वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा मैंने जो जो बताया आपको कि किस तरीके से। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।